हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि अपने कमरे से चहकती हुई अपनी सास मधु के पास आकर कहती है, माँ जी आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बहू, ऐसी क्या खुशखबरी है तेरे पास? और वैसे भी मुझे बस तेरे से माँ बनने की खुशखबरी सुननी है, इतने सालों से तूने तरसा के रखा हुआ है। अरे माँ जी, वही तो बताने आई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने अभी अभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, पॉजिटिव आया है। सच में बहू? हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। बहू तू खड़ी क्यों है? बैठ जा बेटा, मैं अभी कुछ मीठा लेकर आती हूँ, तेरा मुँह मीठा करवाती हूँ। मधु रसोई में से मिठाई लेकर आती है और निशा को खिलाते हुए बोलती है, बहू अब से 9 महीने तक तू कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। और हाँ, नुकीली चीजों से दूर रहना। तुझे जो खाना है, जैसा खाना है मुझे बताना, मैं बना कर दूंगी। बाहर का कुछ नहीं खाना। पर माँ जी, काम तो मैं करूंगी ही, घर का ना करूं लेकिन पार्लर का तो करूंगी ही। वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम बड़े ध्यान से करूंगी। नहीं बहू, मैंने मना कर दिया ना कि तू कोई काम नहीं करेगी, तो मतलब नहीं करेगी। अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। निधि अपने कमरे में जाकर सोच में पड़ जाती है कि उसका पार्लर अब कैसे चलेगा। ऐसे ही एकदम से पार्लर बंद करने पर उसके सारे क्लाइंट्स उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसी टेंशन में उसको नींद आ जाती है और शाम होती है। शाम के समय जैसे ही अमित घर आता है तो मधु उसको ये खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, अमित बेटा तू पापा बनने वाला है और मैं दादी। इस घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या माँ, सच? आप सच कह रही हैं? निधि प्रेग्नेंट है, कहाँ है वो? अपने कमरे में है, मैंने उसे आराम करने बोला है। अमित भागा भागा अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ वो आंखें बंद करके लेटी हुई निधि की आंखों से झलकते आंसू देखकर उसे उठाते हुए कहता है, निधि क्या हुआ, उठो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना, तुम खुश नहीं हो? आपको लगता है मैं इस खबर से खुश नहीं होंगी? लेकिन इस खबर को सुनकर माँ जी ने फरमान सुना दिया कि मैं कोई काम ना करूं। मेरा पार्लर जो मैंने इतने अरमानों से खोला था, वहाँ जाने के लिए भी, काम करने के लिए भी मना कर दिया माँ जी ने। अमित, ऐसे कैसे अपने क्लाइंट्स को जाने दूं? आपको पता है ना, क्लाइंट्स के बार बार कॉल आ रहे हैं पार्लर बंद होने की वजह से। ये तो है, कोई नहीं, तुम आराम करो, इसका भी कुछ हल निकल जाएगा। अमित की बात मानकर निधि आराम करती है। अगली सुबह जब वो फ्रेश होकर नाश्ता करने आती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। नाश्ता करती हुई निधि दरवाजे को खोलने के लिए उठती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसकी भाभी आशिका खड़ी है और उसको देखकर निधि बोलती है, अरे भाभी आप इतने सुबह सुबह यहाँ कैसे? आपने तो सच में सरप्राइज दे दिया। तभी निधि की बात का जवाब देते हुए अमित बोलता है, भाभी को मैंने बुलाया है यहाँ तुम्हारे पार्लर को संभालने। तुमको अपने पार्लर की टेंशन हो रही थी ना? हाँ दीदी, नंदोई जी ने कल ही फोन करके माँ से मुझे यहाँ बुलाने के लिए इजाज़त ले ली थी और आज सुबह आपके भाई मुझे यहाँ छोड़ गए। अब मैं दिन में आपके साथ आपका पार्लर संभालूंगी और शाम को हर्ष मुझे वापस घर ले जाएंगे। अच्छा किया अमित बेटा, आशिका के आने से बहू का मन लगा रहेगा। आशिका के आने से मधु और निधि दोनों खुश थी। कुछ ही देर में आशिका सबके साथ नाश्ता करके निधि के साथ उसके पार्लर जाने के लिए निकल गई। पार्लर पहुंचकर आशिका ने सारी साफ सफाई करके पार्लर को एकदम चकाचक कर दिया, जिसके बाद एक मालिनी नाम की औरत पार्लर में आती है और निधि को देखकर बोलती है, ओहो निधि डार्लिंग, कहाँ थी तुम? कल पार्लर ही नहीं खोला, तुम्हें पता है मुझे कल कितना काम था। चलो कोई नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, मुझे मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल करवाना है। जरूर मालिनी जी, सब होगा, लेकिन देखिए मैं नहीं करूँगी, ये मेरी भाभी है ये करेंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी सासू माँ ने मुझे रेस्ट करने की सलाह दी है। ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, ख्याल रखना अपना। इसके बाद आशिका उस औरत को चेयर पर बैठाकर उसका फेशियल करने लगती है तो निधि उसे टोकते हुए बोलती है, भाभी आप पहले ये वाला स्टेप करो फेशियल में, मालिनी जी को इससे रिलैक्स फील होता है। अरे दीदी मैं कर रही हूँ ना, आप आराम से बैठो। भाभी ये मेरा पार्लर है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो ना। आशिका को इस बात पर बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी ननद के हिसाब से काम करने लगती है। वो सब कुछ करके मालिनी को फ्री कर देती है।
जिसके बाद मालिनी जाते हुए कहती है, सच में निधि तुम्हारी भाभी के हाथ में तो जादू है, बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू आशिका, मैं दोबारा जरूर आऊंगी तुमसे फेशियल करवाने। शुक्रिया मालिनी जी। मालिनी का आशिका की तारीफ करना निधि को थोड़ा जलन महसूस करवाता है, लेकिन ऐसे ही पूरे दिन जितने क्लाइंट्स आते हैं सब आशिका की तारीफ करते हैं। यूं ही गुजरते समय के साथ निधि की प्रेगनेंसी को 7 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो अब भी पार्लर आना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन पार्लर में एक सविता नाम की लड़की अपनी हेयर कटिंग के लिए आती है और आकर बोलती है, हेलो, यहाँ कोई आशिका जी हैं? जी बोलिए, मैं ही हूँ आशिका। वो क्या है ना, मुझे कटिंग करवानी थी, मेरी फ्रेंड करवा के गई थी आपसे कटिंग, उस पर बहुत सूट कर रही थी, तो प्लीज आप मेरे भी फेस के हिसाब से कटिंग कर दो। जी जरूर, आइए बैठिए। अपने क्लाइंट को आशिका की तारीफ करते देखकर इस बार निधि को गुस्सा आता है और वो बोल पड़ती है, देखिए ये मेरा पार्लर है, निधि ब्यूटी पार्लर, तो आपको जो भी करवाना है आप मुझसे बोलिए। अरे दीदी, आप इस हालत में कैंची वगैरह पकड़ोगी तो ठीक नहीं रहेगा, आप आराम से बैठो, मैं कर देती हूँ कटिंग। रहने दीजिए भाभी, आप यहाँ मेरी मदद करने नहीं बल्कि मेरे पार्लर के क्लाइंट हड़पने आई है। मेरे क्लाइंट है, मैं खुद संभाल लूँगी। पर दीदी, नंदोई जी ने कहा था कि आपको काम करने नहीं देना मुझे, इसलिए आप बैठिए, मैं कर दूंगी। मैंने बोला ना, हटो, मैं कर लूंगी। निधि गुस्से में आशिका को धक्का दे देती है, जिसके कारण उसका सर दीवार से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही इस घटना की खबर अमित और हर्ष को लगती है तो दोनों पार्लर भागे भागे आते हैं। आशिका अभी भी बेहोश होती है, हर्ष उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है, तो वहीं अमित निधि से बोलता है, निधि ये सब कैसे हुआ, भाभी बेहोश क्यों हुई? वो मैंने गुस्से में भाभी को धक्का दे दिया, वो मुझे काम करने के लिए रोक रही थी और सब क्लाइंट उनको बार बार पूछ रहे थे, इसी बात से मुझे गुस्सा आ गया, मुझे माफ कर दो। तुम पागल हो, अरे तुमको पता भी है कि भाभी प्रेग्नेंट है 2 महीने की, उनको जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने आराम करने की बजाय तुम्हारा पार्लर संभालने को ही कहा। उन्होंने कहा था कि नंदोई जी मेरी डिलीवरी में टाइम है, लेकिन दीदी की तो मेरे से पहले है और ये पार्लर उनका सपना है, तो जब तक मुझसे होगा मैं उनके लिए इसे संभाल लूंगी। अमित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर भाभी और उनके बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। अमित निधि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता, जहां हर्ष ये बताता है कि आशिका की हालत अब ठीक है और माँ व बच्चा दोनों सही सलामत है। ये सुनकर निधि अपनी भाभी से मिलने उसके कमरे में जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर आज आपको या आपके बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो खुद को कभी माफी नहीं कर पाती। अरे नहीं दीदी, आप माफी मत मांगो, मैंने तो बस आपकी मदद करनी चाहिए थी, अपना काम अच्छे से किया ताकि आपके पार्लर का नाम ना खराब हो, मैं आपका पार्लर हड़पना नहीं चाहती थी। आप प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैंने अपने दिमाग में ही ना जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन अब मुझे आपसे एक मदद और चाहिए, वो ये है कि जब हम दोनों की डिलीवरी हो जाएगी तो आप मिलकर मेरे साथ इस पार्लर को चलाएंगी, प्लीज भाभी। आप जैसा चाहोगी मैं वैसा ही कर लूंगी, बस आप रोना बंद कर दो, ऐसी हालत में माँ का रोना बच्चे पर गलत असर डालेगा। निधि अपनी भाभी को गले लगाकर सारे गिले शिकवे खत्म कर लेती है और साथ ही अपनी गलती को समझकर उसके लिए आशिका से माफी भी मांगती है। शिल्पा अपनी सास अनुराधा से चाय में चीनी डालने के लिए रसोई की चाबी मांगती है, तभी उसकी सास बोलती है, जितनी चीनी डाली है ना उतनी बहुत है, और चाहिए तो पहले पैसे दे फिर चीनी मिलेगी। माँ जी हद ही हो गई, अरे इतना कमा कर कहाँ जाओगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। बहू, मैंने तुझे पटर पटर जुबान चलाने को नहीं कहा, चीनी चाहिए तो पैसे दे वरना फीकी चाय पी। माँ जी हम तो आपके घर का हिस्सा है ना, और घर के लोगों से पैसे कौन लेता है, दे दो ना चीनी चाय, ठंडी हो रही है। नहीं मतलब नहीं, पहले पैसा फिर सामान, ये लीजिए पैसे और भगवान के लिए अब चीनी दे दीजिए वरना मुझे आइस टी पीनी पड़ेगी। अपनी बहू से 10 रुपए लेने के बाद अनुराधा रसोई का ताला खोलकर अंदर जाती है और चीनी के डब्बे से 2 चम्मच चीनी लेकर अपनी बहू को देती है, जिसके बाद वो दोबारा से रसोई का ताला लगा देती है
तभी शिल्पा मन में बोलती है, हे भगवान, ये कैसी सास दी है तूने मुझे। हजार कंजूस मरे होंगे तब जाकर मेरी सास पैदा हुई होगी। कहाँ फंस गई मैं, ससुराल कम और किराने की दुकान ज्यादा लगती है। हर काम के पैसे दो तब होगा। सोचते ही सोचते शिल्पा हॉल में आती है और बेचारी शिल्पा अपनी ठंडी चाय में चीनी डालकर पीने लगती है। अनुराधा अपने पति के जाने के बाद से अकेले घर संभालती थी, जिसके चलते उसे कंजूसी की आदत हो गई थी। वो घर की हर जरूरत की चीज पर ताला लगा कर रखती, जैसे कि रसोई का सामान, घर की अन्य जरूरतों का सामान, सब पर वो ताला लगाए रखती। साथ ही चाबियों का गुच्छा हमेशा अपनी कमर में दबाए घूमती रहती। और जब घर में किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो पहले अपने घर वालों से पैसे लेती और फिर उन्हें सामान देती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कपड़े धो रही होती है, तभी वो देखती है कि कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया है, जिसके लिए वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, माँ जी, कहाँ है आप? अरे क्यों चिल्ला रही है, यही तो हूँ मैं। माँ जी, वो कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया था, जरा निकाल कर दे दीजिए। अच्छा ला फिर, 20 रुपए दे, मैं तुझे साबुन दे देती हूँ। माँ जी, उसमें आपके भी तो कपड़े हैं, फिर क्यों पैसे मांग रही हो? तो एक काम कर, मेरे कपड़े बस पानी में से निकाल कर सुखा दे, मैं बिना साबुन के धुले कपड़े भी पहन लूँगी। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो आपके कपड़ों में से पसीने की इतनी गंदी बदबू आती है ना कि बंदा कोमा से बाहर आ जाए, ऊपर से आप कह रही हैं कि उसे सिर्फ पानी में से निकाल दूं। जी, अरे करम जली, कपड़े मेरे, पसीना मेरा, बदबू भी मेरी, इसमें तेरा कुछ नहीं है। साबुन चाहिए तो पैसे दे, वरना मुझे और भी काम है। शिल्पा अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पैसों में से 20 रुपए निकालती है और अनुराधा को देती है, जिसके बाद वो उसे कपड़े धोने का एक साबुन निकाल कर दे देती है और शिल्पा वापस से कपड़े धोने चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शिल्पा अपनी सास को समझा समझा कर परेशान हो जाती है, पर अनुराधा की कंजूसी करने की आदतें नहीं जाती। ऐसे ही एक शाम जब कमल ऑफिस से घर आता है तो शिल्पा उसके लिए खाना परोस कर कमरे में चले जाती है। कमल एक निवाला खाना खाने के बाद शिल्पा से बोलता है, यार शिल्पा, इसमें नमक बहुत कम है, थोड़ा नमक ले आओ ना रसोई से। अच्छा तो पैसे दो फिर। यार मैंने तुम्हें नमक रसोई से लाने को कहा है, दुकान से नहीं। अरे तुम्हारी माँ जी ने घर में ही दुकान जो खोल रखी है वही बहुत है दुकानदारी करने के लिए, और किसी की जरूरत ही नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि माँ को भी बात बात पर हर चीज के पैसे मांगने की आदत है, पता नहीं उनकी एक कंजूसी की आदत कब जाएगी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझसे पूछो मेरा क्या हाल होता है, ऐसा लगता है किसी जर्नल स्टोर में काम कर रही हूँ। पैसा दो, सामान लो, हद कर रखी है तुम्हारी माँ ने सच में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे तो डर है कहीं बाथरूम जाने के भी पैसे न ले लगे माँ जी। अरे नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बेचारी शिल्पा हर सामान को बहुत ही संभाल संभाल कर इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। ऐसे ही एक दिन शिल्पा की ननद कुहू घर आती है। अनुराधा और शिल्पा खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी शिल्पा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर कुहू बोलती है, अरे अरे भाभी, ये क्या है, आप खाली चाय ले आए, अरे कम से कम नमकीन बिस्किट तो ले आती। माँ जी, दीदी कुछ कह रही है, जवाब दीजिए। बता कुहू, कौन सी नमकीन खानी है, अभी मंगवाती हूँ शिल्पा से। ओ तेरी, आज अपनी बेटी से पैसे नहीं मांगेगी क्या, हमसे तो हर चीज पे पैसे वसूलती। भाभी, मुझे आलू भुजिया और खट्टी मीठी नमकीन चाहिए, दोनों ले आओ। अच्छा तो चल 35 रुपए दे दे, तुझे ये सब मिल जाएगा। क्या माँ, 35 रुपए, पर क्यों? देख कुहू, तुझे पता है नाम है मेरा अनुराधा, काम में ना आने दो कोई बाधा, यहाँ तुझे जो भी खाना है पीना है उसके पैसे देने होंगे, कुल मिलाकर तेरे 40 रुपए बन रहे हैं, पर फिर भी मेरी तरफ से तुझे 5 रुपए का डिस्काउंट, तू भी क्या याद रखेगी। अपनी माँ की बात सुनकर कुहू का मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो बेचारी चुपचाप चाय का कप उठाकर पी लेती है। और शिल्पा ये सब देखकर मन ही मन में सोचती है, अरे कैसी माँ है, कम से कम अपनी बेटी पे तो रहम खाती। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तो मुझसे, इतनी कंजूस सास, घर वालों से भी पैसे लेती है, पता नहीं कितना माला माल बनेगी ये। ऐसे ही वक्त और गुजरता है,
दिन पर दिन अनुराधा का कंजूसी करना बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी इस आदत से घर के सब लोग बहुत परेशान थे। एक दिन अनुराधा मंदिर गई होती है और घर पर शिल्पा, कुहू और कमल तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कुहू बोलती है, भैया आप माँ को समझाते क्यों नहीं, ऐसे कब तक वो हमसे सब चीजों के पैसे लेती रहेंगी। नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए। और अगली सुबह अनुराधा शिल्पा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ बहू जरा एक कप चाय बना दे। माँ जी आपको चाय पीनी है तो आपको 10 रुपए देने होंगे, मैं फ्री की चाय नहीं बनाऊंगी। अरे दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा, ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रही है। बकवास नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ। अरे मुझसे नहीं होता ये फ्री का काम, अब तो मैं हर काम करने के पैसे लूंगी। अब आपकी मर्जी है, आपको चाय पीनी है तो पैसे दो वरना जो मर्जी करो। काफी देर बहस करने के बाद अनुराधा शिल्पा को पैसे दे देती है जिसके बाद वो उसके लिए चाय बना कर लाती है। ऐसे ही दोपहर के समय वो अपनी बेटी कुहू को आवाज लगाती है, कुहू कुहू कहाँ है तू। हाँ माँ कहो क्या हुआ। जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे पड़ोस की एक पार्टी में जाना है। कर दूंगी माँ, लेकिन मैं 50 रुपए लूंगी तब करूंगी। ये क्या बेहुदा मजाक कर रही है, तू मेरे काम करने के पैसे लेगी। बिल्कुल लूंगी माँ, जैसे आप लेती हो। कुहू की बात सुनकर अनुराधा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तो कमल घर आता है और अपनी माँ को ऐसे सोफे पर उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अरे माँ लाओ मैं आपका सर दबा देता हूँ, फिर आप मुझे 100 रुपए दे देना। क्या 100 रुपए? जी हाँ माँ 100 रुपए। अब देखिए मैं भी तो थका हारा घर पर आया हूँ और फिर अब आपको अपनी सेवा भी करवानी है तो इसमें मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपका सर दबा देता हूँ, बदले में आप मुझे 100 रुपए दे देना। कमल की बात सुनकर अनुराधा बुरा सा मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अनुराधा जब भी कोई काम किसी को कहती तो वो सब उससे पैसे मांगते, जिसके चलते अब वो ज्यादातर काम खुद करती। ऐसे ही एक रात सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी अनुराधा बोलती है, शिल्पा बहू जा नमक लेकर आजा रसोई में, सब्जी में बहुत कम नमक है। कुहू जाओ तुम ले आओ। हाँ भाभी ले आऊंगी, पर 10 रुपए देने पड़ेंगे आपको, मैं फ्री में काम नहीं करती। ओ अच्छा सुनिए जी आप ले आइए। यार मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तो 20 रुपए लूंगा नमक लाने के। आए हाय बेशर्मी की भी हद होती है, बात बात पर पैसे मांगते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती। भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है, घर पैसा कपड़ा खाना, फिर भी तुम सब ने इतनी भुखमरी क्यों मचा रखी है। माँ जी आप भी तो हमेशा हर चीज के पैसे लेती है ना, तो बस अगर आप माला माल हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। वैसे भी खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसी आप वैसे हम। शिल्पा की बात सुनकर अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मेरी कंजूसी की आदत के चलते तुम सब भी ऐसे हो गए, पर मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि हम सब एक परिवार है, कोई किराने की दुकान थोड़ी। अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। और ये ले बहू सारे ताले खोल दे और जा सभी ताले को कचरे के डब्बे में डाला। अब अनुराधा किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं करती, साथ ही साथ वो खुले हाथों से खर्चा करने लगती है, जिसके कारण एक बार फिर उसके परिवार में खुशहाली लौट आती है। रामा एक भोला भाला सा लड़का था, उसके इस भोलेपन से उसकी माँ देवकी हमेशा परेशान रहती, क्योंकि आज के समय में उसके जैसे लोगों का अक्सर सब लोग फायदा उठाते थे और रामा के भोलेपन का भी लोग बहुत फायदा उठाते थे। कभी कोई उसे घर का काम करवाता तो कभी कोई 4 लोगों में बैठकर उसका मजाक उड़ाता। इसीलिए इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपने अनाड़ी बेटे की शादी एक तेज तरार नैना नाम की लड़की से करवा देती है, जिसके बाद नैना का गृह प्रवेश होता है और देवकी उससे बोलती है, बहू अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में कदम रख। माँ यहाँ एक ही कलश क्यों रखा है, आपको मेरे लिए भी रखना चाहिए था ना,
मैं भी तो शादी के बाद पहली बार घर आ रहा हूँ। अरे बेटा, गृह प्रवेश बहुओं का होता है, बेटे का नहीं। पर माँ, ये तो गलत है। या तो मुझे भी इसके पीछे का कारण बताओ, वरना मेरे लिए भी एक कलश रखो। ये सब देखकर नैना रामा को समझाते हुए बोलती है, रामा जी देखिए, लड़की माता का रूप होती है, ये तो आपको पता है ना? हाँ हाँ, मैं तो माता रानी के उपवास भी रखता हूँ। हाँ, वैसे ही बहू भी ससुराल में लक्ष्मी का रूप होती है, और जब वो अपने ससुराल में चावल से भरे कलश को गिराते हुए अंदर आती है, तो इसका मतलब होता है कि वो घर में अपने साथ लक्ष्मी का वास ला रही है। अच्छा, ये बात है। ठीक है नैना जी, आप गिरा लो कलश। नैना के समझाने के बाद रामा उसको कलश गिराने देता है और नैना अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखती है। साथ ही उसकी समझदारी को देखकर देवकी उससे बोलती है, बहू, आज तेरी समझदारी ने ये साबित कर दिया कि मेरे इस अनाड़ी बेटे के लिए तू एकदम सही लड़की है। माँ जी, रामा जी जैसे भी हैं तो मेरे पति ना, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँ। जुग जुग जियो मेरी बेटी, सच्ची साक्षात लक्ष्मी जी आई है मेरे घर बहू बनकर। नैना अपनी समझदारी से पहले ही दिन अपनी सास का दिल जीत लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक आदर्श बहू बनती है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नैना ने कोई खुशखबरी नहीं दी थी, जिसके कारण देवकी उससे बोलती है, बहू, अब तेरी और रामा की शादी को अच्छा खासा समय हो गया है, तो तुम दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाओ ताकि मुझे भी दादी बनने का सुख मिले। माँ जी, आप तो अपने बेटे को जानती है, जब जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं, नैना मुझे गुदगुदी हो रही है, इतने पास मत आया करो, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, उस अनाड़ी से तो मैं बात करती हूँ, थोड़ा भोला है पर समझ जाएगा। शाम होने पर देवकी रामा को पास बुलाकर उससे बोलती है, रामा तेरी शादी को इतना वक्त हो गया है, तूने आगे का कुछ सोचा? आगे क्या सोचना है माँ, मैं रोज काम पर जाता तो हूँ ताकि अपने परिवार का ख्याल रख सकूँ, और कहीं भी जाना है क्या? अरे पागल, अब तेरी शादी हो गई है तो अपनी बीवी पर भी थोड़ा ध्यान दे, उसको कोई तोहफा ला कर दे या प्यार भरी बातें कर उसके साथ। मैं सबसे प्यार से ही तो बात करता हूँ माँ, और कैसे करूँ? अरे सबके साथ वाला प्यार अलग होता है और बीवी को देने वाला प्यार अलग होता है। क्या माँ, कितनी अजीब बातें कर रही हो, कभी बोलती हो प्यार से बात करो, फिर बोलती हो दूसरे वाला प्यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ काम पर। रामा वहाँ से काम पर आ जाता है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सोचता हुआ वो अपने साथी मुकुंद से बोलता है, मुकुंद भाई मेरी एक मदद करो, ये पत्नी को करने वाला प्यार और बाकियों को करने वाले प्यार में क्या अंतर है? अरे पत्नी से प्यार बंद कमरे में होता है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ी बंद कमरे में प्यार करते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बीवी को कैसे खुश करते हैं? बीवी को खुश करना है तो उसको तोहफा दो। अच्छा तोहफे में क्या दूँ? फूल दे दो यार। फूल कौन सा दूँ ये भी बता दो। अरे जाओ रे अनाड़ी, मेरा दिमाग न खाओ। मुकुंद रामा से परेशान होकर उसे वहाँ से भगा देता है। शाम को घर जाते हुए रास्ते में सब्जी की रेड़ी देखकर वहाँ खड़ी रेड़ी वाली से रामा बोलता है, अरे आपके पास कोई फूल है? मैंने यहाँ कोई बगीचा नहीं खोला हुआ, बस एक गोभी का फूल है, लेना है तो बोलो, सही भाव में दे देगी मैं। अच्छा ये फूल देने से मेरी बीवी खुश हो जाएगी? अरे बीवी क्या, तेरी माँ भी खुश हो जाएगी, अब बता देनी है कि नहीं? हाँ हाँ बांध दो। रामा घर आकर अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ तुमने कहा था ना अपनी पत्नी के लिए तोहफा ला, मैं ले आया, अब तो वो खुश हो जाएगी। ठीक है माँ। हाँ हाँ जा, वो अपने कमरे में है, जाकर दे दे। रामा अपने कमरे में जाकर नैना को बुलाता है, जिसके बाद वो उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ रामा जी? आंखें बंद करो। लो कर ली, अब बताओ क्या हुआ? रामा नैना की आंखें बंद करते ही अपने हाथों में गोभी का फूल लेकर खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, अब आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है, गोभी का फूल? हाँ तुमको पसंद आया? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि पत्नियों को फूल पसंद है। अरे रामा जी आप एक नंबर के अनाड़ी हैं। वो गोभी के फूल की नहीं गुलाब के फूल की बात कर रहे थे, अब आप गोभी का फूल ले ही आए हैं तो दे दीजिए, सब्जी बना देती हूँ। नैना को हंसते देखकर रामा का दिल दुखता है, उसने पहली बार अपनी पत्नी की खुशी का ध्यान रखते हुए उसके लिए कुछ किया और वो उसमें भी फेल हो गया। ये सोचते हुए वो अकेला बैठा खुद से बोलता है, रामा के बच्चे तू किसी काम का भी नहीं है,
पहली बार भी लाया तो क्या फूल लाया? अरे भला ऐसे भी कोई करता है क्या? रामा को अकेला बैठा देखकर नैना उसके पास आकर बोलती है, सुनिए आप अकेले क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए खाना खा लीजिए। नैना जी आप मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं पहली बार आपके लिए लाया भी तो क्या, गोभी का फूल। मुझे नहीं पता था कि क्या देना चाहिए, एक दोस्त से पूछा था तो उसने बोल दिया फूल। अब फूल कौन सा देता ये भी नहीं बताया उसने, इसलिए मैं गोभी का ही ले आया। अरे रामा जी कोई नहीं, लेकिन अब आपको आपका ये भोलापन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा चंट है, इसीलिए आपको भी थोड़ा चलाक बनना चाहिए। अच्छा तो आप मुझे सिखाइए ना। हाल फिलहाल के लिए आप अंदर चलिए, बाकी सब आपको मैं सिखा दूंगी, खाना खा लीजिए पहले। रामा और नैना अंदर आकर देवकी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद नैना धीरे धीरे रामा को बहुत सी बातें सिखाती है, जैसे शादी के बाद एक आदमी के अपने परिवार के लिए और अपनी पत्नी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसे सब समझाती है। और नैना की बदौलत रामा और उसका रिश्ता एक शादीशुदा जोड़े की तरह आगे बढ़ता है, जिसके कुछ समय बाद नैना अपनी माँ बनने की खबर अपनी सास को देते हुए बोलती है, सासू माँ आपको पता है इस घर में जूनियर रामा आने वाला या फिर आने वाली है? अरे बहू मुझसे ये एक रामा तो संभलता नहीं है और तू दूसरा ला रही है। एक मिनट, तेरे कहने का मतलब है कि तू माँ बनने वाली है? हाँ माँ जी मैं माँ, आप दादी और रामा जी पापा बनने वाले हैं। सच्ची बहू तूने ये खबर सुनाकर तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। मेरे बेटे के भोलेपन के कारण तो मुझे लगा था कि कभी उसकी शादी ही नहीं होगी, लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया कि एक सही औरत अनाड़ी आदमी को भी जिम्मेदार इंसान बना सकती है। माँ जी रामा जी बहुत समझदार है, बस उनको कभी किसी ने ठीक से समझाया नहीं, वरना जो लोग उन्हें अनाड़ी बोलते हैं ना वो उनको खुद अनाड़ी साबित कर सकते हैं। इतने में रामा घर आता है और नैना की माँ बनने की खबर पर उसको गोद में उठाते हुए बोलता है, ओ नैना जी मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नैना जी अब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, इसलिए अब से मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि हम अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। अपने बेटे के मुँह से ऐसी जिम्मेदारी वाली बातें सुनकर देवकी की आँखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे को गले लगा लेती है और पूरा परिवार एक नए मेहमान के आने की तैयारियां करने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।